तो वन प्लस का एक अपकमिंग फोन जो कि वन प्लस 3S के नाम से रूमर्ड हुआ था, अब जो है वो वन प्लस 3T के नाम से आएगा और काफी सारे नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ में जो ये फोन आने वाला है। शाओमी ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है जेटा के ऊपर, जो शाओमी के फोन्स को रिब्रांड करके अपना नाम लगा के जो वो सोल्ड कर रहा है। सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट फाइनली जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है, प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन भी दोनों जो वो सामने आ चुके हैं। रिलायंस ने अपना नया फोन लाइव की सीरीज में एड कर दिया है, स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे है और प्राइसिंग भी यहाँ पे थोड़ी। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि वन प्लस अपना एक नए फोन के ऊपर काम कर रहा है और प्रीवियसली रूमर्ड हुआ था कि ये फोन जो वो वन प्लस 3S के नाम से आने वाला है और यहाँ पे अब कुछ फाइनल कंफर्मेशन आई है। फोन रडार ने ये क्लेम किया है कि वन प्लस का जो अपकमिंग फोन होगा वो वन प्लस 3T के नाम से जाना जाएगा, जिसके अंदर हमें जो वो स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिजाइन जो वो बिल्कुल सिमिलर होगी वन प्लस 3 से। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है वो सिर्फ प्रोसेसर में होगा स्नैपड्रैगन 821 का। डिस्प्ले में यहाँ पे क्वालिटी चेंज होने और साथ में एंड्रॉइड 7 नुगट के साथ अपग्रेड जो वर्जन जो आने वाला है। अब बात करते हैं तो OnePlus ने ये भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया कि OnePlus अपनी X की सीरीज को जो वो बंद कर रहा है, यानी कि OnePlus की तरफ से कोई भी X सीरीज वाले फोन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में OnePlus ने बोला कि अब से वो साल में सिर्फ एक ही फोन लाने वाला है, उसकी ब्रांड यानी कि जो कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको जो वो बनाए रखना है। तो यहां पे अब OnePlus ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज किया है, OnePlus अपना नए फोन के ऊपर काम कर रहा है, देखते हैं इस फोन में OnePlus के जो वो क्या खास होता है। तो डील की बात करते हैं और सबसे पहले डील में आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि लिनोवो के 1 TB का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपको यहाँ पे जैसे कि इमेजेस में देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा हार्ड ड्राइव है। आपको USB 3.0 के पोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आपकी ट्रांसफर स्पीड और भी फास्ट हो जाएगी। ओरिजिनल प्राइस लगभग से 6000 रुपीज थी, अब आपको सिर्फ 3800 रुपीज में अगर लिनोवो का 1 TB का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डील है। दूसरे डील की बात करें तो एस्पायर का यहाँ पे एनालॉग वॉच आप जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉच है और ये सिर्फ आपको 265 रुपीज़ में यानी कि लगभग 300 रुपीज़ के आसपास आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाती है। अगर आपको वॉच खरीदना है तो ये वाली काफ़ी अच्छी डिज़ाइन वाली वॉच आपको मिल सकती है। और फाइनल डील की बात करते हैं तो VU आप जो भी बोलो, ये एक टीवी जो वो काफ़ी चल रहा है। आपको ये टीवी जो वो 40 इंच का फुल HD LED टीवी, 2 HDMI पोर्ट, एक USB पोर्ट के साथ में अब आपको सिर्फ 20,000 रुपीज़ में मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस 24,000 रुपीज़ थी, 4,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। रेटिंग आप देखेंगे तो 4.3 की रेटिंग आई है, यानी कि टीवी जो वो अच्छा चल रहा है। तीनों डील के लिंक वीडियो के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आपको इंटरेस्ट है तो आप जाइए और डील को जो है यूज़ कर लीजिए। तो सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट फाइनली जो आज ऑफिशियल हो चुका है और आज रात में आप फ्लिपकार्ट से इसको जो डायरेक्टली जाके जो वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट की प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये फोन में हमें 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, 1.6 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 3 GB की रैम है, 32 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के भी इसको जो एक्सपांड कर सकते हैं। 13 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है f1.9 एपर्चर के साथ और यहाँ पे आपको 8 MP का जो वो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो 3300 mAh की आपको बैटरी मिलती है, अच्छी खासी यूनिबॉडी डिजाइन के अंदर ये फोन आता है, डुअल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट होता है। प्राइसिंग की बात करें तो 18,450 यानी कि 19,000 के आसपास इन्होंने जो वो प्राइसिंग रखी है। मुझे लगता है लिनोवो का जूक Z2 और OnePlus 2 जैसे फोन को ये कम्पीट नहीं कर पाता है क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही हाई स्पेसिफिकेशन देते हैं। फिर भी सैमसंग का फोन है और सैमसंग लवर्स फाइनली अगर आपको खरीदना है सैमसंग ऑन नेक्स्ट तो ये भी एक आपके लिए अच्छी डील है। तो रिलायंस ने अपना एक नया फोन अपनी लाइफ की सीरीज में जो आज इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, लाइफ F1। ये फोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग की बात करें तो 5.5 इंच की आपको फुल HD की डिस्प्ले मिलती है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 617 का 64 बिट का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है। 617 का जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है ये सक्सेसफुल प्रोसेसर है, आप इसके अंदर हाई एंड गेमिंग भी आसानी से जो वो कर सकते हैं। आपको 3 GB की रैम मिलती है और इसके अंदर आपको 16 MP का रियर कैमरा मिलता है, 8 MP का आपको जो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, 32 GB का आपको इंडिविजुअल स्टोरेज मिलती है, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड जो वो कर सकते हैं। 3200 mAh की आपको बैटरी मिलती है, डुअल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। प्राइसिंग की बात करें तो 13,400 रुपीज़ की रखी है, प्राइस यहाँ पे 1-2 हज़ार रुपये और कम कर सकते तो मुझे लगता था कि कूलपैड नोट 5 को ये वाला फोन जो काफ़ी अच्छा टक्कर दे सकता था। Xiaomi ने फाइनली अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर दिया है किसके ऊपर, जो जेटा एक कंपनी है जो Xiaomi जो है वो Xiaomi के फोन्स को रीब्रांड करके अपने लेबल्स लगा के जो वो भेज रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जेटा मोबाइल कंपनी है इसके अंदर सिर्फ 9 एम्प्लॉयज है, सिर्फ 9 लोग हैं इसके पीछे जो Xiaomi के फोन्स को रीब्रांड कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना लोगो लगा रहे हैं और इसके फोन्स को जो वो एक नया फोन बना के iPhone 7 क्लियर करके बेच रहे हैं। Xiaomi ने फाइनली इसके ऊपर कमेंट किया है और ये बोला है कि ये फोन हमारा
बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे Xiaomi ने बोला कि स्पेन में ऐसा हमारी ये जो कंपनी है वो स्पेन में है, Xiaomi ने बोला कि यूरोप में हमारी कोई भी कंपनी के साथ ऐसा बिल्कुल भी टाई अप नहीं है। क्योंकि Xiaomi का ये जो वाला जो फोन है Zeta का, किसी ने इसको टेयर डाउन किया, टेयर डाउन करने के बाद जब बैटरी निकाल के पीछे स्टिकर देखा तो वहां पे MI का लोगो था, तो वहां से पता चलता है कि ये Xiaomi का फोन है। काफी रूमर Xiaomi के पास गए तो Xiaomi ने बोला ये हमारा फोन नहीं है, ये जो कुछ भी कर रहा है हम इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन जो वो जल्दी लेने वाले हैं। साथ में एक और खबर जो Xiaomi की तरफ से आ रही है, और Xiaomi का MI Note 2 हमें जैसे कि पता है मोस्ट अवेटेड फोन है Xiaomi का आने वाला है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस फाइनली जो Xiaomi MI Note 2 की कंफर्म्ड हो चुकी है। अब से बोला जा रहा है कि जो Xiaomi का MI Note 2 आने वाला है 25 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ ऐसे ही होगी। 5.7 इंच की सुपर एमोलेड की कोड HD की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि फोर्स टच के साथ में आने वाला है, जैसे कि हमें iPhone 6s में देखने को मिला था। यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 821 का इसका जो वो प्रोसेसर होगा कोड कोर वाला, 4GB और 6GB की रैम में आने वाला है, और स्टोरेज जो होगी वो 64GB और 128GB के अंदर आने वाली है। रियर में आपको जो वो डुअल कैमरा मिलेगा, एक जो वो 23 मेगापिक्सल का होगा और दूसरा जो होगा 12 मेगापिक्सल का होगा, और सेल्फी कैमरा आपको जो वो 8 मेगापिक्सल का इसका जो वो मिलने वाला है, 4100mAh की आपको बैटरी मिलेगी। साथ में एक और बड़ी रूमर यह आ रही है कि Xiaomi का MI Note 2 जो है वो उसके ना आयरिस स्कैनर जो वो देखने को मिलेगा। Xiaomi का रियली में कहूँ तो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट और फ्लैगशिप फोन है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो 30,000 रुपीज से स्टार्टिंग होगी और 35 और 40,000 रुपीज तक का जाने वाले। तो जल्दी से आप लोगों को एक गुड न्यूज बता देता हूँ, जो लोग Moto G 4 और Moto G 4 Plus इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं तो Android का 7 का अपडेट आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है, यानी कि अब जो है वो अपडेट OTA के जरिए आना जो वो शुरू हो गया है। तो जो लोग को नहीं पता है वो अपने सिस्टम के अबाउट में जाकर डायरेक्टली वहां से मैन्युअली अपडेट चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका फोन जो है वो Android 7 के ऊपर अपग्रेड हो जाएगा। तो जो इंडिया के अंदर है फाइनली आपको Moto G 4 और Moto G 4 Plus OTA अपडेट Android 7 का मिलना जो वो शुरू हो गया है। फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि Intex ने अपना एक बजट फोन जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है, और प्राइसिंग जो रखी है वो लगभग से 4000 रुपीस की रखी है। ये फोन में 4000 रुपीस में हमें क्या मिलता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 5 इंच की आपको IPS की 480x854 पिक्सल का डिस्प्ले मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है अगर आपको 4000 रुपीस में 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है। 1.2 GHz का आपको स्पीड ट्रम का प्रोसेसर मिलता है, 1GB की आपको रैम मिलती है, 8GB की आपको स्टोरेज मिलती है, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के इसको जो फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है LED फ्लैशलाइट के साथ, और 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो 2450mAh की आपको मिलती है। सिर्फ डाउन पॉइंट ये है कि ये फोन के अंदर 4G नहीं है, आपको सिर्फ 3G सपोर्ट मिलता है। Intex ने एक अच्छी स्टार्टिंग करी है 4000 रुपीस में इस टाइप की स्पेसिफिकेशन, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके की स्पेसिफिकेशन वाले फोन दो ताकि हम इसको आसानी से अच्छे से यूज कर सके। तो आज की टेक्नोज यहीं पे खत्म होती है, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की टेक्नोज जो वो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस टेक्नोज को जो लाइक करिए, और आज मैंने जो वो हद कर दिया और तीसरा वीडियो मेरा ये अपलोड हो रहा है तो जरूर इतना रिलायंस का एक जियो का बीच में मैंने एक वीडियो डाला तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता तो एंड में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है, उस पर काफ़ी रूमर्स हो रहे थे तो मैंने उसको क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से कोई भी फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी टैक्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं आप लोगों को वीडियोज़ बनाते रहूँगा और आप लोगों को एक लेजिट एक सच्ची बातें बता के आप लोगों के कन्फ्यूजन को जो है दूर करूँगा। तो बस इतना ही बता रहता, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जियो ने फाइनली ये बता दिया है कि जो भी लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर से हम जैसे लोग जो जियो का सिम कार्ड ले चुके हैं उनके लिए ये ऑफर जो है वो 31 दिसंबर 2000